अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक रोज नई कहानी, नया एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ। अब नया एक शोशा ये छोड़ा गया है कि अब यक्सा सिविल कोड नाफिज किया गया। अभी भी मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां जारी है, फिर चाहे हुबली हो या खरगांव, दिल्ली, जहांगीरपुरी, करौली। आखिर सवाल यही उठता है कि आखिर हुकूमत मुस्लिम नौजवान या फिर मुसलमानों की जान और माल के पीछे क्यों पड़ी है? जब हुकूमत ही भीड़ के जरिए लोकतंत्र पर हमला करती है तो फिर उम्मीदें भी बेकार हो जाती है। भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हमलावर हो चुका है और आगे बढ़ते हुए इस हमलों को जस्टिफाई भी किया जा रहा है। इस सवाल पर इससे पहले भी चर्चा हुई है, पर आज इस पर तवज्जो इसलिए भी देना जरूरी है क्योंकि अब नया ऐलान वजीर खारजा यानी गृह मंत्री अमित शाह की जानिब से किया गया है कि जल्द भारत में एक्सा सिविल कोड को नाफिज किया जाएगा, कॉमन सिविल कोड जिसे कहते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस कानून को नाफिज करना गोया मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने के बराबर तो है ही। इस्लामी तालीमात में सीधे दखल अंदाजी कर सकती है। मुल्क का एक ही कानून होगा जो हिंदू रस्म रिवाज पर मुनसर होगा, जिसे सभी को मानना होगा, और यह सख्ती महज मुस्लिम दुश्मनी पर मुबनी होगी। यही इसके पीछे की असल वजह है। शादी ब्याह मैयत त्योहार कपड़े पहनने पर, तालीम हासिल करने पर। आपको यह भी सुनकर ताज्जुब होगा कि LKG UKG में गुरुकुल के नाम से जो है हिंदू तहजीब के तहत तालीम को हासिल करना पड़ेगा। तालीम हासिल करने पर भी हुकूमत अपनी मनमानी नाफिज करेगी। जिस भीड़ को तैयार किया गया इसी का हिस्सा है। क्या आपने इससे पहले कभी रामनवमी या हनुमान जयंती को मनाते हुए देखा? आखिर ये कौन लोग हैं जो हथियारों को तलवारों को लहराते हुए मस्जिदों की बेहुर्मती करते हुए भगवा परचम लहराने के काम को अंजाम दे रहे हैं? क्या जिस राम के नाम पर इस तरह के हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या वाकई इस तरह की तालीम इन्हें दी गई है? हनुमान जयंती के मौके पर बुजुर्गों की औलियाल्लाह की मजारों को तोड़कर हनुमान की मूर्तियां लगाई जा रही है। आखिर तमाम जुल्म सितम के पीछे क्या मकसद हो सकता है? लिहाजा रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के दिलों में इतना डर खौफ डालो कि हिंदू राष्ट्र के रास्ते में किसी तरह का रोड़ा ना आ जाए। मुसलमान इतना ज़हनी दबाव में रहे कि सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करें, और पूरे भारत में इस तरह का माहौल देखा जा भी रहा है। अब जब एक बार फिर से मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए कॉमन सिविल कोड को नाफिज करने का ऐलान भी इसी हिंदू राष्ट्र की कड़ी कह सकते, आखिर और क्या मुसीबतें आ सकती है इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि अब तो हर दूसरे दिन आपको एक नई खबर दस्तयाब हो रही है। तलवारें, कट्टे, पिस्तौल, चाकू, कोयते, सभी तरह के हथियारों की नुमाइश महज मुसलमानों को डराने के लिए। अगर जहांगीरपुरा का ही मामला लिया जाए तो जानबूझकर दो बार जुलूस को मस्जिद के सामने से ले जाना और फिर मस्जिद पर भगवा परचम लहराने की कोशिश, फिर मुसलमानों की तरफ से रद्द अमल। कुछ ही नौजवानों ने भगवाधारियों की भीड़ को खदेड़ कर रख दिया था, लेकिन आगे इंतजामिया और हुकूमत बुलडोजर लेके आ गए और बाकी कहानी सभी जानते हैं। इसी तरह हुबली में भी देखा गया, एक शख्स मुसलमानों की मुकद्दस जगहों की तौहीन आमोज तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, लेकिन जब रद्द अमल किया जाता है तो सैकड़ों नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में आती है। एक बार फिर उसी सवाल पर आता हूं कि मुस्लिम लीडरों, दीनी रहनुमाओं की खामोशी आखिर किस बात पर है? अब तो कॉमन सिविल कोड का ऐलान किया गया और पहला उत्तराखंड में नाफिज करने की बात भी अमित शाह की जानिब से की गई है। अब तो मुसलमानों के हुकूक पर ही हमला होने वाला है। यहाँ तक वक्फ बोर्ड भी भाजपा और ब्राह्मणवादी लोगों के अख्तियार में दिया जाएगा। क्या मुसलमानों की मस्जिदों के दस्तावेज सही है? क्योंकि पिछले 70 सालों से हमने कुछ भी तो नहीं किया है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत मौके दिए, लेकिन सिवाय बेगैरती का मुजारा करने का हमने कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस की अंधी तकलीफ तो की ही, लेकिन उस हुकूमत में कौम के नाम पर जीतने वाले लीडरों ने भी कुछ काम नहीं किया, बजाय मुसलमानों के हक में काम करने के मुसलमानों का ही सौदा किया। कांग्रेस से काफी नुकसान हुआ कहने वाले भी मुसलमानों में काफी लोग थे, लेकिन अब तो जान बचाने की नौबत आई है। कुछ लोग तो भाजपा हुकूमत में आएगी तो क्या होगा ऐसा कहने वाले अब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि अब आपको जिंदा रहना है तो ईमान का सौदा करना होगा, क्योंकि नए कानून इसी नहज पर होंगे जहां आपको हक और बातिल का टकराव देखने को मिलेगा। बेलगाम शहर के अतराफ में मुस्लिम बस्तियां काफी बढ़ चुकी है। अब किसी भी पार्टी को मुसलमानों के वोटों की जरूरत तो लगती नहीं है। भाजपा शायद ही कोई चुनाव हारेगी ऐसा नहीं लगता, और आसानी से हुकूमत छोड़ेगी भी तो नहीं। लिहाजा हिंदू हिंदुत्व वाला कामयाब फॉर्मूला मिल चुका है, और अब तो इनकी कोई मुखालिफत करने वाला भी कोई नहीं रहा। अदलिया को कैसे दबाव में रखा जाए इसकी गवाही भी खुद खुलेआम हिंदुत्व लीडर दे रहे हैं, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये अलग बात है। लिहाजा जमात के जिम्मेदारान हैं, मस्जिदों के जिम्मेदारान हैं, कमिटियों के जिम्मेदारान हैं, उलमाए दीन है, और सियासी लीडरान को हर शहर में बैठ के सलाह मशवरा करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। ये बार बार कह रहा हूं, अभी भी खामोशी ये हम सबको ले डूबेगी। शहर के इंतजामिया को जाकर आगाह करें कि फिरका परस्त कोई शरारत ना करें, वरना इस तरह हाथ पर हाथ धर के बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि खुद तो बुजदिली का मुजारा करोगे ही और आने वाली नस्ल को भी इन्हीं की तरह गूंगे बनाओ जिसके जिम्मेदार हम सब होंगे।
इत्तेहाद नु देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।